जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा में छेगांव माखन उद्वन सिंचाई योजना जो 537 करोड़ रुपए की है और L&T कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। लगभग 73 गांव में 37,000 हेक्टेयर भूमि इस उद्वन सिंचाई योजना से सिंचित होगी। 15 नवंबर से आपको बता दें कि कुछ गांव में पानी दिया जा रहा है, लेकिन जगह जगह पाइप फूटने, लाइन फूटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हुए थे। हमने भी इस मामले को लेकर खबर चलाई थी। आज आपको बता दें कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा खंडवा पहुँचे और उन्होंने डोंगर गांव में स्थित पंप का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट को लेकर टेक्निकल डिटेल मांगी कि एक घंटे में कितनी भूमि सिंचित होगी, 24 घंटे में कितनी भूमि सिंचित होगी। तो आपको बता दें कि अधिकारी ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने निजी सचिव को इनको नोटिस जारी करने के निर्देश दे एक हफ्ते में जवाब मांगा और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देखें क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जवाब न मिलने पर मंत्री जी नाराज हो गए। आपका रकबा है 20 से ऊपर नहीं है सिस्टम। अरे आपकी पेटी भी जो भी है पेटी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हुई है या रखी नहीं हुई है, एक बार और देखो, नहीं तो मैं एक एक गुल्लक विकास खंडी करवा के देता हूँ। मैं इसलिए पेटी कूलर आया हूँ, आप समझ लो ठीक है, और नहीं तो इसमें पूरा सिस्टम फिट करिए और सिस्टम फिट करिए, नहीं तो लिखित में आधे ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये पेटी है, इस पेटी के आसपास गिरती है कृषि सर्वे नंबर होंगे, सर्वे नंबर कौन के नाम से है किसान साहब, उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ले लो, किसान कितने होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, हाथ पता पड़ जाएगा। हम तो इरिगेशन करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहा हूं। चलो मेरी बात हां, जो रेट वाले हैं उनमें जो पानी जा रहा है उनसे बात करा सकते हैं आप, जो सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं। जब भेज रहे हैं 35-500 की अपन ले रहे हैं, बात कराओ ना उससे, आपका ही रिपोर्ट देना नहीं सर, गलत बात है। वो कौन सी परियोजना चेक की थी, उसमें 100 सिस्टम काम कर रहे थे, सॉरी की सुनो आप, ऐसे ही सिस्टर पूरा बता दिया उन्होंने सर जी, जी नहीं सुनो पहले, वो बोले 22,000 हेक्टर के लिए थी, वो चल रहा है 2,200 और 18 पूरा नहीं हुआ अभी, अरे अब तो आप तो बात कराओगे नहीं, तैयार है कि नहीं, उनके नंबर लगे होना चाहिए।